अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा हिमाचल प्रदेश की एक बैठक आज कांगड़ा में महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वचन सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें क्षेत्रीय समाज की समस्याओं व सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा की गई और ये मांग की गई कि जिस तरह प्रदेश में अन्य जातियों के कल्याण बोर्ड गठित किए गए हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश में राजपूत कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए और ये निर्णय लिया गया है कि महासभा जल्द ही इस मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष उठाएगी। इस अवसर पर सर्वसम्मति से वचन सिंह राणा द्वारा संजय राणा को दूसरी बार क्षेत्रीय महासभा हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय राणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान उन्हें एक बार फिर से महासभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर शीर्ष पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश से काफी नाम गए थे तो अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के 27 प्रदेशों ने सर्वसम्मति से हमारे संजय सिंह राणा जी को फिर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष चुना। इनको बहुत बहुत बधाई देने में यहाँ आया हूँ और साथ में हिमाचल प्रदेश से और एक बड़ी वहाँ पेशकश हुई सबके सामने। उदय संकटा एक युवा चेहरा हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई मैं अपनी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश की तरफ से देता हूँ। ये मेन मुद्दा था यहाँ आज घोषणा करने का और थोड़ा सा मिलने का, एक छोटी सी गोष्ठी करनी थी हमें आपस में, तो ये हमने मेरा एक सबसे बड़ा ये अहम मुद्दा था कि मैं जाकर संजय भाई राणा को बताऊं और उनके लिए फिर आगे की टीम का वो अपने आप, क्योंकि अभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा टीम भंग है, कमेटी भंग है यहाँ की, तो आज से जैसे ये नवनिर्वाचन इनका यहाँ हुआ है तो उसके बाद में ये पुनः अपनी टीम को गठन करेंगे। जो हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन का जो आंतरिक लोकतंत्र के तहत जो 30 जून को जो इलेक्शन बॉम्बे में हुआ उसके के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कुंवर हरिवंश सिंह जी और भाई बच्चन सिंह राणा जी, जिनको कोषाध्यक्ष चुना गया, जो पहले हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, और साथ में राघविंदर सिंह राजू जी जो कि पूर्व में भी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, अब फिर उनको चुना, इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि मुझे पुनः हिमाचल प्रदेश की बागडोर जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आदरणीय श्री भाई बच्चन सिंह राणा जी का। और हमें खुशी होती है कि आदरणीय भाई बच्चन सिंह राणा जी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारी पूरी स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन को, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली से यहाँ आते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आने वाला जो कल हमारा जो रहेगा इसमें हमारी सबसे पहले तो कार्यकारिणी का विस्तार होगा, कार्यकारिणी का गठन होगा, इसमें पूरे 12 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बनेगी, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट होंगे और स्टेट की टीम होगी मेरी। और जैसे पहले भी पूर्व में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक पूरे जोर शोर से जो हमारे ऊपर एक नादरशाही बिल जो पूर्व सरकार लेके आ रही थी SC ST एट्रोसिटी बिल के तहत, उसका एक खिलाफत हमने पहले भी की थी और अब आने वाले कल में भी हम इसकी खिलाफत करेंगे। इसके लिए हम एक पूरी रणनीति के तहत इकट्ठे होकर पहले एक मीटिंग कॉल करके और इसका एक ज्ञापन हम बहुत जल्दी देने वाले हैं कि इस बिल को वापस लें, अगर वापस नहीं लेना है तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करें, जैसे कि UP गवर्नमेंट ने की है और हाँ अध्यादेश लेकर आए हमारी सरकार। और उसके बाद बाकी हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरा हमारा CM साहब से एक निवेदन है कि सभी जातियों का जैसे एक कल्याण बोर्ड होता है तो राजपूतों का भी एक कल्याण बोर्ड जो है जिसका जल्दी से जल्दी हम गठन चाहते हैं और ये कल्याण बोर्ड जो है जल्दी से जल्दी बनेगा। मुझे इसकी पूरी मुझे चाहत है ये बने, तो बस यही है अभी आने वाले हमारे बहुत जल्दी हमारी जो कार्यकारिणी है इसका विस्तार मैं करने जा रहा हूँ। धन्यवाद चाहिए।